तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिस्फाई बाय द ऑल द एलिमेंट, ठीक है, मतलब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो उनकी सभी प्रॉपर्टी को लिखेंगे जो कि क्या करेगा, उसको वह सेटिस्फाई करेगा, सभी के जब भी सभी एलिमेंट होंगे उस सेट के क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेट ए लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 ना, तो हमने इसको सेट ऐसे लिख दिया, हमने लिख दिया सेट ए, हमने कह दिया क्या कि यह एक्स है सच दैट, ध्यान देना इसे क्या पढ़ेंगे भाई, इसको पढ़ा सच दैट, मतलब इस सेट में जो एलिमेंट हो क्या एक्स हैं वो किस प्रकार से हैं। मैं इस सेट की बात कर रहा हूँ, इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये जो सेट है एज गोल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है, अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा, लिखूँगा एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 20, ये बात समझ में आ गया, लेस देन 20। अच्छा अब ध्यान देना, अब इसी सेट को इस प्रकार लिखा गया है ना, सेट ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 20, ऐसे आप नहीं लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब इस प्रकार से ए, फिर सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाएगा, एक्स लिखा जाएगा, फिर एक्स क्या है इसके बारे में बताया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, मान लो कोई सेट बी है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये एप्पल के सभी लेटर यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे ऐसे सिंपली एक्स सच दैट, क्या हो गया भाई, एक्स इज ऑल द लेटर इन वर्ड एप्पल, या फिर इससे कोई अगर और इन सभी लेटरों के द्वारा कुछ और वर्ड भी बन रहा था तो उसको भी आप लिख सकते हो अलग से, ठीक है, आपको ऐसा कंडीशन ही एक्चुअली में ज़्यादा मिलेगा नहीं इस प्रकार से, ठीक भाई। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए मान लीजिए कोई सेट दे दिया गया, ठीक भाई, अब इसको क्या करना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करोगे, पहले देखो आप कहोगे कि भाई ये जो सेट है हम इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सेट को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 and 2 to the power 5, ये हो गया, ठीक है। अब इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, लिखोगे कैसे लिखोगे, लिखोगे सी, ठीक है, क्या लिख दोगे सी, लिखोगे सी क्या है, एक एक्स है सच दैट, अब यह जो एक्स है यह किस प्रकार का है, ये जो एक्स है यह कभी ऐसा नहीं दिख रहा क्या कि 2 के पावर n के फॉर्म में है, 2 के पावर n के फॉर्म में है, और वेयर n क्या रख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5 रख रहे हो, तो n कैसा है, n क्या होता है, n जो होता है एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पीछे में बताया था ना इसको, मतलब n बिलोंग्स टू, मतलब n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा पूरा नेचुरल नंबर लिख सकते हैं क्या हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं, तो हमने तो बस नेचुरल नंबर लिख दिया, तो क्या मतलब ये बात गलत साबित हो जाएगी, तो हमको और डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब पूरी तरह से उसी के बारे में होना चाहिए। तो ये जो n है यह क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, एंड लेस देन आर इक्वल टू क्या है 5 है। अब मैंने इसके बारे में पूरी प्रॉपर्टी दे रखा है ना कि n, ये जो n है n कहाँ से बिलोंग कर, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर कितना 1 से लेकर के 5 तक है ना, और 2 के पावर 1, आप देखो 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक भाई। चलिए हम लोग बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ सेट के ना, सेट कितने टाइप के होते हैं, चलो अच्छा ध्यान देते हैं, देखो कितने टाइप के सेट होते हैं भाई, तो नंबर वन बात करते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। देखो तो एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट को जैसा कि नाम लग रहा है एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स क्या होता है खाली ना, तो एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट या कंटेन
नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इफ एनी सेट कंटेनिंग नो एनी एलिमेंट देन द सेट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। अच्छा, इसका कुछ और भी नाम है, इसी सेट को हम लोग बोल सकते हैं क्या, नल सेट। क्या बोल सकते हैं भाई? नल सेट भी कहा जा सकता है, नल सेट भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं भाई इसको? इसी को वाइड सेट भी कहा जाता है, इसी सेट को वाइड सेट भी कहा जाता है, वाइड सेट भी कहा जाता है। ठीक भाई, नल सेट को वाइड सेट भी कहा जाता है, नल सेट को वाइड सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि अ सेट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट इफ इट कंटेनिंग नो एनी एलिमेंट। अ सेट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट इफ इट कंटेनिंग नो एनी एलिमेंट ना, अगर कोई सेट जो होता है अगर कोई एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? एम्प्टी सेट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इट इज डिनोटेड बाई, इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई फाई, इसको फाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे ब्रैकेट खाली रहेगा पूरा, बस ऐसे मिडिल ब्रैकेट बना करके। ठीक है, ज़्यादातर फाई ही लिखा जाएगा ना। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, एक सेट लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक्स एक ऐसा, किस फॉर्म में लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। कह रहा है एस एक एक्स एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जो कि क्या होगा? टू से ग्रेटर और लेस थ्री से लेस होगा। अब बताइए, ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिल पाएगा क्या? कोई नेचुरल नंबर का ऐसा सेट जो कि क्या हो, दो से ज़्यादा हो और तीन से छोटा हो? नेचुरल नंबर, ऐसे रियल नंबर तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन नेचुरल नंबर कोई नहीं मिल सकता है ना। तो मतलब ये सेट जो है, इस सेट का ये सेट कैसा है? ये सेट बिल्कुल फाई, फाई मतलब ऐसे होगा। अच्छा, बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, अगर ये सेट को ऐसे लिखना होगा तो बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे करके ए लिख देंगे। तो याद रखिएगा, एयर जो रॉन्ग मेथड है, इट इज़ द करेक्ट मेथड ना। अगर इसको इसके अंदर लिख एलिमेंट, मतलब ए ब्रैकेट की मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि यह एक एलिमेंट वाला काम कर दिया, मतलब सेट खाली, मतलब क्या होगा, गोला बनाकर इसे कट कर जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेट बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ये सेट खाली है, फाई है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, ध्यान देना ना कि जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर को हम लोग किस डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। मतलब अगर नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर, ठीक है, ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा ना। तो नेचुरल नंबर आएगा तो कैपिटल एन से, इंटीजर रहेगा तो कैपिटल जेड से, इंटीजर रियल नंबर आएगा तो कैपिटल आर से, होल नंबर रहेगा तो कैपिटल डब्ल्यू से। अच्छा, रेशनल नंबर होगा तो, रेशनल नंबर रहेगा तो क्यू से। ठीक है, बहुत अच्छे, ये आपको अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस चीज़ को किस सिंबल से डिनोट किया जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा अब बताइए, अगर अगर जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर हो तो रेशनल नंबर भाई तो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर की डिनोट करना हो तब पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर डिनोट करना है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, तो लिख देंगे इसको क्यू प्लस लिख देंगे। ठीक है, हाँ, अगर पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करना है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? ये हो जाएगा जेड प्लस, कैपिटल जेड प्लस। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर अगर करना है तो पॉजिटिव रियल, ओहो रियल नंबर ऐसे मान लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा? आर प्लस हो जाएगा ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए भाई, ये सेट कैसा है? कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स व्हाट? आर मीन्स आपको समझना होगा कि ये रियल नंबर है, रेशनल नहीं समझना, रेशनल के लिए क्यू ना। आर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, कह रहा है कि अगर एक्स क्या एक रियल नंबर है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि किसी रियल नंबर का स्क्वायर करो तो माइनस वन आ जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। अगर मान लो ये कोई सेट होता है ए,
ऐसे, ये भी मान लीजिए कोई सेट है ना, तो ये सेट क्या हो जाएगा, ये सेट खाली सेट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग दूसरा सेट लेते हैं। देखिए सिंगलटन सेट क्या होगा भाई, सिंगलटन के जैसे नाम से ही लग रहा है, सिंगलटन मतलब सिंगल ना, सिंगल सिंगल मतलब क्या होगा कि एक ऐसा सेट जो कि केवल और केवल वन एलिमेंट कलेक्ट करेगा, तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है, सिंगलटन सेट कहा जाता है ना। तो क्या हो जाएगा कि अ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सिंगलटन इफ इट कलेक्ट एग्जैक्टली वन एलिमेंट, इट कलेक्ट एग्जैक्टली वन एलिमेंट। बात समझ में आ गया भाई ना, जैसे मान लो क्या हो गया, कह दिया क्या, जैसे दे दिया कि यक्स कोई सेट है, यक्स सच दैट, ठीक है, यक्स कहाँ से बिलोंग करता है, किसी भी इंटीजर से बिलोंग करता है, जेड मतलब क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, तो अब कह दिया क्या कि ये सेट कैसा है, ये जो यक्स है वो यक्स इस प्रकार से, यक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो है। तो यक्स क्या है, जब यक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स क्या है, तो एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू अगर जीरो है तो यक्स इज इक्वल टू केवल क्या है, माइनस फोर। इसका मतलब क्या है, यह केवल एग्जैक्टली वन एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब इस सेट कैसा है, ये सेट कैसा है, सिंगलटन सेट है। ये सेट कैसा है भाई, सिंगलटन सेट है। अब देखो, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला सवाल दे रहा हूँ, कह रहा है कि एक 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 कोई सेट लिख दिया हमको, एक सेट लिख दिया ए, कह दिया यक्स सच दैट ना, यक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और लिख दिया क्या, कह दिया यक्स की जो वैल्यू है यक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब ये सेट बताओ आपकी ये सिंगलटन सेट है या नहीं है, बताइए। अब देखो यक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे ना, यक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो करोगे तो यक्स इज इक्वल टू क्या करते हो कि प्लस माइनस सर जी थ्री आएगा। आप कहोगे ना कि सर जी यक्स की तो दो वैल्यू हो गई, यक्स की एक वैल्यू क्या हो गई, थ्री हो गई, और यक्स की एक वैल्यू माइनस थ्री हो गई ना, तो यह सिंगलटन सेट है या नहीं है। तो मैं कहूँगा यह सिंगलटन सेट है। आप कहोगे कैसे, सिंगलटन सेट इसलिए है क्योंकि यहाँ देखो ये कह रहा है कि यक्स जो है एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब जो यक्स की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या आ रही है, केवल नेचुरल नंबर आ रही है। तो ऐसे समझो यक्स एक्चुअल में ऐसे रहा होगा, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन रहा होगा, तो यक्स इक्वल टू केवल तीन रहा होगा, तीन का दोनों साइड के स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, नाइन। मतलब यक्स ए वाला वैल्यू नहीं मान की जाएगी, केवल नेचुरल नंबर वाली मान की जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि यक्स जो है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा तो इसका, अगर मान लो यहीं पर इंटीजर दे देता, यहीं पर देता है यक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, तो इंटीजर में दोनों आ जाएंगे प्लस भी और माइनस भी, तब यह सिंगलटन सेट नहीं रह जाता। लेकिन नेचुरल नंबर देने की वजह से यह सेट क्या रहेगा, सिंगलटन सेट रहेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। ठीक भाई, देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट को तो मैं एक साथ समझाता हूँ, बस सिंपल सा आपको समझ लेना है। जैसे सिंगलटन सेट में क्या समझे थे कि सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसके पास केवल एक एलिमेंट हो, तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। फाइनाइट का मतलब क्या होता है भाई बच्चों, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड ना, जिसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा फाइनाइट सेट। जिसके पास अनलिमिटेड एलिमेंट रहेंगे उसको क्या कहा जाएगा, इनफाइनाइट सेट कहा जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल आसान ही समझ में आ रहा है। इसका डिफिनेशन नहीं, मैं नहीं लिखूंगा ना, बस क्या इसका डिफिनेशन लिखना है तो सिंपली लिख सकते हो क्या कि अ सेट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट, अ सेट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट इफ इट हैव या इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, या इफ इट हैड द लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट में वही क्या हो जाएगा, इफ एनी सेट इज कॉल्ड द
इनफाइनाइट सेट इफ़ इट हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट या अनलिमिटेड एलिमेंट। ऐसे सेट जिनके पास अनलिमिटेड एलिमेंट रहेंगे उसे इनफाइनाइट सेट कहा जाएगा, जिसके पास लिमिटेड एलिमेंट रहेगा जिससे उसे क्या कहा जाएगा, फाइनाइट सेट कहा जाएगा, है ना। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आपको बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। देखिए ये आपके पास चार सेट दिए हुए हैं, अब और आपको इसमें बताना है कि विच ऑफ द फाइनाइट सेट एंड विच ऑफ द इनफाइनाइट सेट, ठीक है। देखो 2, 6, 8, 10, 12 ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक भाई। इसके 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे ना, इसका मतलब इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब चल ध्यान दो इसमें, अब एक्स सच दैट एक्स इज होल नंबर बट लेस देन 4, तो होल नंबर 4 से कम कितने होंगे, एक होगा भाई क्या 0, 1, 2 और 3, केवल इतने एलिमेंट बन पाएंगे इसके, इसका मतलब ये कैसा सेट होगा, ये सेट होगा आपका फाइनाइट सेट। ये कह रहा है कि यक्स क्या इंटीजर है, लेकिन कैसे, ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर कितने इंटीजर हो जाएंगे, हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट, क्लियर। चलिए भाई अब हम लोग बात करते हैं इक्वल सेट क्या होता है। देखिए भाई इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दो सेट और भी होते हैं ना, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और दोनों में यह डिफरेंस क्या होता है। देखो इक्वल सेट क्या होता है भाई, कि दो ऐसे सेट जिनके पास एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और सेम एलिमेंट भी होने चाहिए, तब वो सेट क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। टू नॉन एम्प्टी सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ इट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ना। जैसे दो सेट हैं, पहली बात कंडीशन यह है कि दोनों सेट जो होने चाहिए नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी मीन्स कि सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मीन्स उसके पास कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, और दोनों के सेटों के पास एलिमेंट जो हो सेम हो तो उन सेटों को इक्वल सेट कहा जाएगा ना। जैसे ए और बी है, जैसे मान लो ए एक सेट हो गया, इसके पास एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है, और कोई सेट बी है इसके पास एलिमेंट है सी बी और ए ना, तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। मान लीजिए कोई तीसरा भी सेट है, इसके पास एलिमेंट क्या है, इसके पास एलिमेंट है ए है सी है और क्या है बी है ना, तो देख रहे हो क्या कि तीनों सेटों के पास क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो तीनों के तीनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। अच्छा मान लो कोई सेट डी है, इसके पास है 1, 2, 3, इसके पास भी तीन सेट एलिमेंट, इसके पास भी 3 एलिमेंट है ना, इसके पास भी 3 एलिमेंट है, इसके पास भी 3 एलिमेंट है, तो क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं, नहीं। तो ए एंड डी आर द इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट से मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आर इक्वल। अगर सेट ए में और बी में दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट को एन एस ऐसे डिनोट किया जाएगा ऐसे, ठीक है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर सिंपली देख लिया कि एग्जांपल ये हो गया कि ये दोनों पास, जैसे मान लो एक सेट है इसके पास एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है, बी हो गया इसके पास है 2 है 3 है 4 है 5 है, ठीक है, तो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है भाई 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है भाई 4 है, तो ये सेट कैसे हो गए, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अच्छा एक बात और भी है, क्या इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, यस ना, याद रखना कि एवरी इक्वल सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, ध्यान रखना, ठीक भाई, जितने भी इक्वल सेट होंगे वह इक्विवेलेंट होंगे ना, बट
बट इक्विवेलेंट सेट नॉट इक्वल सेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी ये तो इक्वल सेट है, तो क्या अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है भाई, 3 है। इसमें चेक करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है भाई, तो 3 है, तो यह इक्विवेलेंट भी है ना। तो इक्वल सेट जो होंगे वह इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि उनके पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, और सेम एलिमेंट होते हैं इसलिए इक्वल सेट हो जाते हैं। इक्विवेलेंट में क्या होता है कि केवल दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।